इंदौर में हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को घर में ही बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। ये मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड कॉलोनी से सामने आया है। यहाँ रहने वाले इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर के घर को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। तड़के सुबह 4 बजे डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र के घर का दरवाजा तोड़कर 4 हथियारबंद नकाबपोश घर में घुसे। पुष्पेंद्र सहित उसके पूरे परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बनाया, डरा धमका कर गले की चैन, अंगूठी सहित घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर घर में मौजूद होंडा सिटी कार को भी अपने साथ ले गए। बदमाशों की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। परिवार ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि कनाडिया में भी कुछ दिन पहले डकैती हुई थी, जिसमें पुलिस अभी तक खाली हाथ बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है और अपराधों पर नियंत्रण कसने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बदमाशों की इस वारदात ने पुलिस को एक कड़ी चुनौती दे डाली। अब देखना ये होगा कि पुलिस बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। सबसे पहले सुनिए एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्रा क्या बोले। हाँ, सुबह सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी, मौके पर जाकर के देखा गया है। वहाँ पे एक लंदन विला है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। वहाँ पर पीछे से कुछ वारदात करने वाले लोगों का प्रवेश हुआ है, जिसमें से मकान खाली की नीयत से उसके दरवाजे को तोड़ करके प्रवेश किया है और वहाँ से कुछ मसरूका, उसमें से दो अंगूठियाँ हैं, एक चैन है, लगभग गाड़ी की चाबी भी उठा लिया है। उसी समय पर परिजन जाग गए तो उस पर से वो लोग भाग करके और गाड़ी लेकर के निकल गए हैं, जिसमें से अपराध धारा सदर 458-392 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आसपास बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, सारे टोल नाके भी चेक किए जा रहे हैं और पूरा घटनाक्रम के सारे साक्ष्यों को एकत्रित करके जल्द ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर, कब की घटना थी और कौन सी चीज़ कार गाड़ी लेके गए? होंडा सिटी कार है और उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे, 7-8 हज़ार रुपये और कुछ कार्ड वगैरह हैं, और घर के अंदर से 2 अंगूठियाँ, 1 चैन है, इतना कुल मसरूका गया हुआ है और बाकी सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्दी आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। है पूरे सामान की और पूरे सामान में एक कार है तो कार की कीमत लगभग 7-8 लाख रुपए होगी और लगभग 50-60 हज़ार रुपये का अन्य मसरूका गया हुआ है। लगभग 4 लोग हरकत में दिख रहे हैं अभी, बाकी सारे फुटेज और चेक किए जा रहे हैं, सारे कैमरों को सर्वेलेंस में ले लिया गया है, PSTN भी निकाला जा रहा है, जल्दी ही वारदात को खुलासा किया जाएगा। हाँ, अभी जो एक जगह कैमरा देखा गया है उसमें से वो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और भी कैमरे देखे जा रहे हैं अन डायरेक्शन। परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया? नहीं नहीं, ना तो कोई चोट पहुंचाई गई है, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स भी चोरी नहीं किया गया है। नियत नकबजनी की थी और जो पीड़ित पक्ष है वो जाग गया तो आरोपी पक्ष वहाँ से भाग लिए। पुष्पेंद्र सिंह हैं जो IOC में काम करते हैं, उनके घर में वारदात हुई है। इसके अलावा किसी और मकान या बाकी भी देखा जा रहा है, कहीं और हरकत करने की कोशिश की, कोई खाली मकान है क्या, ऐसे कुछ फुटेज हमारे संज्ञान में आए हुए हैं, वो भी देखा जा रहा है कि और कहीं कोई हरकत तो नहीं की गई है। लगभग कवर्ड है, फ्रंट की तरफ पे अभी सिर्फ वायरिंग की गई है, इस तरफ वॉल नहीं है, पीछे की तरफ वॉल है, लेकिन वॉल के किनारे पर एक छोटा सा अधूरा बना हुआ एक मकान सा है, वहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के सहारे इंटर करने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ से ही जो बदमाश हैं उन्होंने प्रवेश किया है। फ्रंट में एक चौकीदार भी है, अंदर पेट्रोलिंग में कोई चौकीदार नहीं था उस समय पे। हम ये पूरे सिक्योरिटी के क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, कॉलोनाइजर ने क्या क्या नॉर्म्स बताए थे जब उनको परचेज किया गया था, वो सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इंदौर सहित मध्य प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे सरकार की विफलता कहा है। पिछले
25 साल इन दो महीने में जितने क्राइम हुए सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। आज अखबारों की सुर्खियां हैं, इंदौर में एक डकैती हुई, डकैती इंदौर में कभी नहीं होती थी, अद्भुत अकल्पनीय, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे इस तरीके की डकैती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो के मैनेजर के यहां डकैत घुस गए और लूट कर गए। इससे पहले ग्वालियर में 3 दिन पहले केस आया जिसमें गुंडा सर्विस टैक्स भाइयों के झुंड को आगे कर दिया और कहा कि हम मुख्यमंत्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, हर रेत की हर गाड़ी को जीएसटी 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अखबारों की सुर्खियां बनी थी। ग्वालियर की घटना, कुछ दिन पहले बैतूल में शर्म से सर झुक जाता है हर मध्य प्रदेश के वासी का। बजरंग दल के लोगों ने एक आदिवासी को किस तरीके से मारा वो वीडियो मैंने जारी किया था। फिर एक बच्चे को ऊंधा लटका दिया आदिवासी को और नंगा करके मारा, वो वीडियो भी मैंने जारी किया, भास्कर की भी खबर थी। क्राइम की घटनाओं की अद्भुत कहानी ऐसे होती है कि पुलिस वालों को एक एसआई को जीप से कुचल के मार दिया गया, कोशिश की गई, फिर एक कांस्टेबल को मार दिया, थाने में से पुलिस की जीप चोरी हो गई। ये सब घटनाएं इसी 71 दिन की है, 73 दिन की, जिसमें मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने। उज्जैन बीजेपी के एक सरपंच थे, उनकी पत्नी थी, दोनों की हत्या कर उज्जैन मुख्यमंत्री की का गृह जिला। आप देखो कि क्राइम का ग्राफ कितना अद्भुत है कि जितनी बातें करो उतना कम।